अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा बिजली का निर्यात भी रोक सकता है। ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी। संसद पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी, शहीदों की शहादत को किया याद। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश। शेखर यादव ने कहा था, कठमुल्ले घातक भड़काऊ देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। रिजर्व बैंक को बम से उड़ाने की धमकी। रूसी भाषा में ईमेल किया। दिल्ली के 6 स्कूलों को लिखा, 13-14 दिसंबर को धमाके करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित।